नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड के 3 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग के 11 दिन के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या के भी 3 दिन के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार रोशन की फिल्म सुपर 30 के 17 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अंत में बात करेंगे अर्जुन पटियाला फिल्म के भी 3 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों अर्जुन पटियाला फिल्म जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित जुगराज ने, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजान ने, जिनके इस साल लुका छुपी देश से शानदार फिल्म आई थी। वही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार दिलजीत दोसांझ और उनके साथ में है कृति सेनन और चूचा यानी कि वरुण शर्मा। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी शुरुआत मिली और फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन डिजर्व करती थी, उस तरह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं आए। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में। तो दोस्तों अर्जुन पटियाला फिल्म का टोटल बजट है 20 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म को हिंदुस्तान में लगभग 1200 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। अब अगर बात करें 3 दिन के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन उम्मीदों से काफी कम कलेक्शन किया और इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में कलेक्शन आया सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 4 से 5 करोड़ पहले दिन कमाएगी, लेकिन दोस्तों 4 से 5 करोड़ छोड़िए, फिल्म पहले दिन 2 करोड़ कमाने में भी नाकामयाब रही। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा जंप आया, क्योंकि फिल्म पंजाब सर्किट में थोड़ी अच्छी ग्रोथ मिली थी, उसकी वजह से फिल्म दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा पाई 2.10 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों तीसरे दिन संडे होने की वजह से फिर से फिल्म के कलेक्शन में एक हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा और फिल्म अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 3.50 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो जाता है 7.10 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 11 करोड़ रुपए। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम, जी हां दोस्तों, कम से कम 30 करोड़ रुपए की कमाई करना होगी, जो कि अब थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं यह फिल्म 30 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है या हो जाती है फ्लॉप। तो दोस्तों बात करें अगर द लायन किंग के बारे में, तो दोस्तों लायन किंग फिल्म जिस फिल्म में वॉइस ओवर किया है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने, दोस्तों इस फिल्म ने हिंदुस्तानी मार्केट में गजब का तहलका मचा दिया और फिल्म के कलेक्शन काफ़ी शानदार आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें द लायन किंग ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर लिया और ये फिल्म इंडिया में सुपर डुपर हिट हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के इंडिया रिलीज के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश 5 लैंग्वेज में रिलीज किया गया और फिल्म ने 5ों लैंग्वेज में धमाकेदार कलेक्शन किए हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा कलेक्शन फिल्म के सिर्फ हिंदी वर्जन में आए हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदी वर्जन में यहाँ किंग खान की वॉइस है फिल्म के अंदर। तो दोस्तों फिल्म को शाहरुख खान के नाम से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ऐसा कलेक्शन करती जा रही है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म शायद 150 करोड़ का आंकड़ा इसी हफ्ते में पार कर जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों द लायन किंग को इंडिया में रिलीज हुए आज हो चुके हैं 10 दिन, और अगर बात करें 10 दिन के टोटल डे वाइज कलेक्शन की, तो दोस्तों द लायन किंग ने पहले दिन हिंदुस्तानी मार्केट में नेट कलेक्शन किया था 11.06 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी अपने पहले हफ्ते में इंडिया में टोटल कलेक्शन कर लिया था 81.57 करोड़ रुपए का।
वही बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 5,35,00,000 रुपए। वही 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 11,56,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों में 98 करोड़ से भी आगे का कलेक्शन कर लिया था। वही अगर बात करें हम 10वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों 10वें दिन द लायन किंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 13,50,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों द लायन किंग का हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन हो चुका है 112 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने इंडियन नेट मार्केट में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। तो दोस्तों डियर कॉमरेड फिल्म जो कि एक तेलुगु मूवी है, लेकिन इस फिल्म को तेलुगु के अलावा 3 लैंग्वेज में होल्ड अप करके रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ा 3 बाकी लैंग्वेज में डब करके वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। और दोस्तों इस फिल्म को 4 लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड टोटल स्क्रीन मिली है लगभग 1800। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो दोस्तों फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर और कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म में नज़र आ रहे हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर है भारत कम्मा। अगर बात करें दोस्तों फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट है लगभग 25 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ी मुश्किल आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को रिव्यूज़ तो काफ़ी शानदार मिले हैं, लेकिन फिल्म की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से फिल्म के शोज़ कम चल रहे हैं, जिसके कारण फिल्म के कलेक्शन काफ़ी कम आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें 3 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों विजय देवरकोंडा की फिल्म डियर कॉमरेड ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था 4 लैंग्वेज में, वो था 17,50,00,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिल्म के कलेक्शन में जंप देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म की लंबाई ज्यादा होने की वजह से फिल्म के कम शोज चल रहे हैं, जिसके कारण फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन जंप की जगह और थोड़ा ड्रॉप दिखाया। और फिल्म ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में 4 लैंग्वेज के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया सिर्फ 16 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन और भी नीचे आते आ रहे हैं, और तीसरे दिन ये फिल्म अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 13,50,00,000 रुपए का ही कारोबार कर पा रही है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा और मलयालम में, वो हो चुका है लगभग 47 करोड़ रुपए। आपको बता दूं दोस्तों 47 करोड़ रुपए ग्रोस कलेक्शन है। फिल्म का शेयर कलेक्शन अभी तक आया है सिर्फ 18 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म को हिट होने के लिए अभी और ज्यादा कलेक्शन करना होगा। दोस्तों विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सुपर 30 जो कि बिहार के जाने माने गणित टीचर आनंद कुमार की बायोपिक है, और इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में नजर आए थे सुपरस्टार ऋतिक रोशन, और उनके साथ में थे मृणाल ठाकुर, आदित्य श्रीवास्तव और पंकज त्रिपाठी। दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते कंप्लीट कर दिए और इस वक्त फिल्म तीसरे हफ्ते में चल रही है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये फिल्म तीसरे हफ्ते में जितना शानदार कलेक्शन कर रही है, उतना तो इस हफ्ते रिलीज हुई नई फिल्मों का कलेक्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम सुपर 30 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने के पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी, तो प्लीज़ इस फिल्म को बिल्कुल मिस ना करें और सुपर 30 फिल्म को देख के जरूर आए। इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है और इस फिल्म को देख कर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म काफ़ी शानदार है और ऐसी फिल्में बॉलीवुड में काफ़ी कम बनती है, इसलिए इसे फिल्मों को एक बार देखना तो जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 11,83,00,000 रुपए से। वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते के अंदर यानी शुरुआती 7 दिनों में इंडिया में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 75,85,00,000 रुपए, यानी कि फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन काफी बढ़िया रहा था। वही दोस्तों बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी काफ़ी अच्छा होल्ड बनाए रखा और फिल्म ने दूसरे हफ्ते में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन किया 37,86,00,000 रुपए का, यानी कि दोस्तों फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन भी काफ़ी
शानदार रहे। अब अगर बात करें तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने तीसरे हफ्ते में अपने तीसरे शुक्रवार यानी 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया 2,14,00,000 रुपए का। वही दोस्तों 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार फिल्म के कलेक्शन में जंप आया और फिल्म ने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया 4,50,00,000 रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें 17वें दिन यानी तीसरे संडे के कलेक्शन की, तो दोस्तों संडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक बार बढ़ोतरी हुई और फिल्म तीसरे संडे यानी कि अपने 17वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 5,50,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 17 दिनों में हो चुका है 125,85,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 125,85,00,000 रुपए का कर लिया। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों सुपर 30 का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 145,00,000 रुपए। अब अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक टोटल कलेक्शन किया है 32,00,000 रुपए। तो दोस्तों इंडिया ग्रोस कलेक्शन 145,00,000 रुपए, वही ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन 32,00,000। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाता है वो हो चुका है 177,00,000 यानी 177,00,000 रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। दोस्तों एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म जजमेंटल है क्या, जिसका पहले नाम रखा गया था मेंटल है क्या, लेकिन कुछ वजहों के चलते फिल्म का नाम रीनेम करके जजमेंटल है क्या कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रकाश कोवेला मोदी ने। वही दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है कंगना रनौत और उनके साथ में है राजकुमार राव। दोस्तों आपको बताते चले फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गजब का कलेक्शन कर रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दें फिल्म के बजट के बारे में। तो दोस्तों फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट है 35,00,000 रुपए यानी कि फिल्म 35,00,000 में बनके तैयार हुई है। वही दोस्तों फिल्म के मार्केटिंग और प्रमोशन का कॉस्ट आया है लगभग 10,00,000 रुपए। इसी के साथ फिल्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है 45,00,000 में। आपको बता दें दोस्तों जजमेंटल है क्या फिल्म को हिंदुस्तान में लगभग 2,000 स्क्रीन के आसपास रिलीज किया गया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार रिव्यूज मिले और शानदार रिव्यूज मिलने की वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कमाल का किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें 3 दिन के डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जजमेंटल है क्या फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन किया था 5,40,00,000 रुपए, जिसमें फिल्म का पहले दिन का ग्रोस कलेक्शन आया था 7,00,000 का। वही दोस्तों बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में गजब का जंप देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, उसी के कारण फिल्म ने पहले दिन से डबल कलेक्शन दूसरे दिन किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जजमेंटल है क्या फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में कमाए 9,00,000 रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें हम तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक बार जंप आ रहा है और इसकी खास वजह यह है दोस्तों कि तीसरे दिन है संडे यानी कि हॉलीडे और हॉलीडे के दिन फिल्मों के कलेक्शन हमेशा से ही दबा के बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों जजमेंटल है क्या फिल्म अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11,00,000 रुपए का कारोबार कर रही है। तो दोस्तों अगर फिल्म तीसरे दिन 11,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लेती है, तो फिल्म का 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाना है 25,40,00,000 रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 3 दिनों में हो रहा है 32,00,000 यानी 32,00,000 रुपए। आपको बता दूं दोस्तों फिल्म में कॉमेडी और थ्रिलर काफी शानदार है और फिल्म की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो इस फिल्म को देख के जरूर आए, काफी बढ़िया काम है और कंगना रनौत की एक्टिंग काफी लाजवाब है। और अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि जजमेंटल है क्या फिल्म में आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई, राजकुमार राव या फिर कंगना रनौत। अपनी राय कमेंट करना ना भूलें और डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।